Hello Vacho let's read the question so the question says a man weighing 80 kg is standing at the center of a flat boat and he is 20 meter from the shore. he walks 8 meter on the boat towards the shore and then halts the boat weighs a uh, weight 200 kg how far is he from the shore at the end of this time first option is 11.2 meter second is 13.8 meter third is 14.3 meter and the fourth is 15.4 meter तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास तब तक वहीं पे रहना चाहेगा जब तक कि ना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो एक्सटर्नल फोर्स के एबसेंस में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कांस्टेंट रहना चाहेगा ठीक है मतलब उसी प्लेस पे रहना चाहेगा तो सबसे पहले अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये यह जो है ये शोर है और जो पर्सन है यहाँ पे बोट पे है दिस इज पर्सन और जो शोर है वहां से इसकी डिस्टेंस दी हुई है हाउ मच 20 मीटर स्टार्टिंग कंडीशन में 20 मीटर दी हुई है और ये सेंटर ऑफ मास पे ही खड़ा हुआ है ठीक है दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ये शोर की तरफ चलना स्टार्ट करता है चलना स्टार्ट करता है मतलब इस तरफ ठीक है तो जब ये इस तरफ चलना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या कि बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि बोट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये बोट यहां पे चली गई बोट यहां पे चली गई आदमी इधर मूव कर गया तो मान के चलते हैं कि इंसान जो है यहाँ पे मूव कर गया ठीक अब ये सेंटर ऑफ मास जो है यहीं पे रहना चाहेगा इस पोजीशन पे आदमी इधर मूव कर गया तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहना चाहेगा इसलिए क्या होता है कि बोट इस तरफ मूव करेगी ठीक है अब होगा क्या कि हमको ये डिस्टेंस पता नहीं कि शोर से ये कितना डिस्टेंस पे है मान के चलते हैं कि डिस्टेंस x है और हमको पता है कि ये यहां से एट मीटर इस तरफ चला है एट मीटर इधर चला है ठीक है तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास किधर इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा मान के चलते हैं कि ये यह यहां पे था तो यहीं पे सेंटर ऑफ मास रहना चाहेगा ठीक है तो हमको पता है कि इस इसकी जो मास दी गई है दैट इज नथिंग बट 200 हंड्रेड के जी तो यहां से ये वाली डिस्टेंस जो है ये वाली डिस्टेंस हमें पता है ये कितनी है दिस इज ट्वेंटी मीटर तो हमें निकालना है कि ये जो एक्स है एक्स कितना मीटर इस तरफ चला होगा ठीक है तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें आ, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब सेंटर मास सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट प्लस मैन बोट प्लस मैन विल बी एट सेम प्लेस और बोल सकते हैं कि उसी प्लेस पे रहना चाहेगा ठीक है यहाँ से अगर हम इसकी formula लिखें, तो क्या हो ठीक है? यहाँ से सारी वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें तो सेंटर ऑफ मास उतना ही डिस्टेंस पे रहना चाहेगा यानी हम लोग ट्वेंटी मीटर लिख सकते हैं दिस एम वन मास ऑफ मैन कितना दिया हुआ है एक्स हमें निकालना है प्लस एम टू एम टू हमारे पास कितना है दिस इज 200 मास ऑफ बोट और एक्स टू जो है दैट इज एक्स प्लस एट हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा दिस विल बी टू एंड एटी ठीक यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस विल बी फाइव दिस विल बी एटी एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्सटी हंड्रेड यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस विल इक्वल टू फोर इक्वल टू टूटी टूटी एक्स एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा फोर्टीन पॉइंट थ्री मीटर ठीक है तो ये आपका आंसर होगा यहां से अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी ओके I hope you understood well.